दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही ज़रूरी एज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिजाबेथन एज। दोस्तों एलिजाबेथन एज जो थी वो 1558 से लेकर के 1603 तक थी। दोस्तों ये एज जो है ये इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर गोल्डन एज मानी जाती है। दोस्तों इस टाइम पर इंग्लैंड में पीस और प्रॉस्पेरिटी कायम थी जिसकी वजह से आर्ट फला फूला। ये इंग्लिश लिटरेचर की और इंग्लिश हिस्ट्री की गोल्डन एज मानी जाती है। दोस्तों जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके मैं उतना ज़्यादा अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एलिजाबेथन एज। दोस्तों इस एज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एज को तीन नामों से जाना जाता है। पहला एलिजाबेथन एज, दूसरा शेक्सपियरियन एज और तीसरा रेनेसा। तीनों ही नाम बड़े फेमस हैं। अगर किसी भी नाम से पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों एक ही एज के नाम हैं। कैसे एक ही नाम है मैं आपको बताता हूँ। एलिजाबेथन एज तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी थी। 1558 से 1603 तक उन्होंने राज किया था। दूसरा शेक्सपियरियन एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर। शेक्सपियर से बड़ा कोई भी ड्रामेटिस्ट नहीं था। उन्होंने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखते हुए ऐसे ऐसे ड्रामास लिखे कि इस एज को इंग्लिश ड्रामा की गोल्डन एज बना दिया। तीसरा और सबसे ज़रूरी नाम रेनेसा। रेनेसा इस एज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेनेसा का मतलब समझ लो, इसका हिंदी में मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी फिर से जागना। और इस टाइम पर किसका रेनेसा हुआ था? लर्निंग का रेनेसा, यानी कि लर्निंग फिर से ज़िंदा हुई थी, लर्निंग को फिर से ज़िंदा किया गया था। लर्निंग सिर्फ लिटरेचर की लर्निंग नहीं, हर क्षेत्र के अंदर नई नई डिस्कवरीज की जा रही थी। ऐसे में लिटरेचर के लिए भी थिएटर्स खोले गए, तो इस एज को रेनेसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड में डायरेक्टली रेनेसा नहीं आ गया था, इंग्लैंड में रेनेसा आने से पहले इटली में रेनेसा आया था। 14th century में सबसे पहले इटली में रेनेसा आया था, उसके बाद यूरोप की दूसरी कंट्रीज में फैला ये। और इंग्लैंड में ये रेनेसा आया एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज में ये पॉपुलर हुआ, इसलिए इस एज को रेनेसा एज भी कहा जाता है। आई होप इतना जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिजाबेथन जो एज थी इससे पहले की जो एज चल रही थी उस एज का नाम था ट्यूडर पीरियड, ट्यूडर पीरियड। और एलिजाबेथन एज के बाद में जो एज आई वो थी जैकोबिन एज। दोस्तों इस एज को, एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड, क्योंकि इस टाइम के जो पोएट्स, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर्स थे उन्होंने यूरोप के अलग अलग देशों से जो अलग अलग देशों के ट्रेडिशनल वर्क्स थे उनसे इंस्पिरेशन ली और ज़्यादातर इटालियन वर्क्स से इंस्पिरेशन ली, उसके बाद अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वर्क्स लिखे। इटालियन राइटर्स ने क्या किया था, ग्रीक और रोमन वर्क्स से इंस्पिरेशन ली थी, यानी कि जो एंशियंट वर्क्स थे उनसे इंस्पिरेशन ली थी। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं कि इंग्लिश लिटरेचर में जो सोनेट्स आई हैं ये इटालियन लिटरेचर से ही आई है। अब दोस्तों बहुत ही काम की बात करते हैं, एलिजाबेथन एज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोएट्स, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर्स थे उनके नाम बताता हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी विट्स के जो ऑथर्स थे उनके बारे में बताता हूँ। वैसे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने यूनिवर्सिटी विट्स पे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, पहला इंग्लिश बंदा जिसने ग्रीक स्टडीज से इन्फ्लुएंस होकर लैटिन में कुछ लिखा था वो बंदे का नाम था सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर का वर्क था यूटोपिया, यूटोपिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। तो एलिजाबेथन एज के सबसे बड़े बड़े पोएट्स थे थॉमस सैकवेल, थॉमस नॉर्टन, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वायट, हेनरी हॉवर्ड, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डेनियल और माइकल ड्रियटन। इसके बाद ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट में दोस्तों विलियम शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ एक पोएट भी थे, बैन जॉनसन, थॉमस मिडिल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फॉर्ड, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, फिलिप मैसेंजर, थॉमस डेकर, जेम्स शर्ली और थॉमस हेवर्ड। बात की जाए प्रोज राइटर्स की तो प्रोज राइटर्स में बड़े बड़े नाम थे सर फिलिप सिडनी, दूसरा फ्रांसिस बेकन, तीसरा रॉली, चौथा रिचर्ड हुकर और पांचवा विलियम वेब। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे जिनमें शामिल किया गया था जॉन लिली को, जो एक ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर भी थे, दोनों ही थे जॉन लिली।
दूसरे थे थॉमस किड, तीसरे थे जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश। ये थे यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर। दोस्तों, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल हैं। इनमें से कुछ राइटर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो कुछ राइटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हालांकि इनको यूनिवर्सिटी विट्स में बाद में शामिल किया गया है, ये हाईली एजुकेटेड राइटर्स थे दोस्तों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, और इन्होंने अपनी राइटिंग्स से शेक्सपियर को प्रभावित किया। शेक्सपियर इनके बाद में आए थे दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो सारे नाम हो गए, अब हम लोग बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। दोस्तों, एलिजाबेथन एज में बहुत ही बड़े बड़े वर्क्स लिखे गए, जैसे एडमंड स्पेंसर का वर्क द फेयरी क्वीन, दूसरा शेफियर्ड्स कैलेंडर, दोस्तों ये भी एडमंड स्पेंसर का था वर्क। इसके अलावा सर फिलिप सिडनी की सोनेट्स, शेक्सपियर के ड्रामास, जो इस एज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, शेक्सपियर के ड्रामास। इस एज में दोस्तों ड्रामास बहुत लिखे गए। शेक्सपियर, बैन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट ने इस वक्त बहुत ही फेमस ड्रामास लिखे। जबकि दोस्तों प्रोज में फेमस थे जॉन लिली, थॉमस नैश और फ्रांसिस बेकन। दोस्तों, जॉन लिली एक ऐसा राइटर था, ऐसा बंदा था जिसने शेक्सपियर को सबसे पहले प्रभावित किया। शेक्सपियर को सबसे पहले प्रभावित करने वाला बंदा था जॉन लिली, क्योंकि शेक्सपियर की आप रोमांटिक कॉमेडीज़ में आप देखोगे उसमें आपको जॉन लिली का इन्फ्लुएंस मिलेगा। अच्छा, जॉन लिली की एक बुक थी यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, ये बड़ी ही फेमस बुक है। इसमें जॉन लिली ने वो बात लिखी थी कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो सबसे पहली बार ये बात कही थी जॉन लिली ने, हालांकि बॉलीवुड ने इस लाइन को कॉपी मार लिया। खैर, जबकि पोइट्री के अंदर सबसे पहला नाम है थॉमस वाइट का। थॉमस वाइट की पोइट्री के अंदर दोस्तों आपको इटालियन इन्फ्लुएंस मिलेगा। थॉमस वाइट को अपनी पोइट्री के अंदर इनोवेशंस करना बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में नई नई खोजें की। इन्होंने क्या किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हेनरी हावर्ड थे, इन्होंने क्या किया, 16th सेंचुरी की शुरुआत में इटली की सोनेट्स को इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। इटालियन पोएट जो थे पेट्रार्क, उन्हीं की सोनेट्स को यहाँ पर इंग्लैंड में कॉपी किया गया। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इंग्लिश लैंग्वेज में इन सोनेट्स को लिखने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले ये काम किया था थॉमस वाइट ने, वो इंग्लिश लैंग्वेज को सिविलाइज बनाना चाहते थे। तो पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट होते थे, तो इन्होंने थॉमस वाइट ने उसमें से ऑक्टेव ले लिया और सेस्टेट अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट का क्लियर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, चार चार लाइनों के तीन क्वाट्रेंस बनाए और दो लाइनों का एक कपलेट, राइमिंग कपलेट। तो ऐसे बनी इंग्लिश सोनेट्स, ऐसे इंग्लैंड में सोनेट्स की शुरुआत हुई, जिसमें इंग्लिश सोनेट्स में तीन तो क्वाट्रेंस होते थे और एक कपलेट। इसके बाद आगे चलकर के क्या हुआ दोस्तों, हम सबको पता है कि शेक्सपियर ने अपने हिसाब से सोनेट्स में बदलाव किए। अब दोस्तों 16th सेंचुरी जब आगे बढ़ी तो एडमंड स्पेंसर आए, जिन्होंने अपने एलेगोरिकल वर्क फेरी क्वीन को लिखा। और दोस्तों सर फिलिप सिडनी, जो कि एक राज दरबारी और सिपाही थे, ये भी एलिजाबेथन एज की एक पॉपुलर पोएट थे। और दोस्तों जहाँ तक बात की जाए शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर ने भी पोएट्री में अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने अपनी सोनेट्स लिख करके पोएट्री में अपना हाथ आजमाया और उनकी सोनेट्स बहुत ही फेमस हुई। शेक्सपियर की 154 सोनेट्स के अंदर सबसे फेमस सोनेट है 18th सोनेट शैल आई कंपेयर दी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पोएम मानी जाती है ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एलिजाबेथन एज का सबसे ज़रूरी हिस्सा, थिएटर, ड्रामा, जिसकी वजह से एलिजाबेथन एज इतनी फेमस हुई। दोस्तों इंग्लैंड में थिएटर इतना फेमस हुआ, उसमें सबसे बड़ा हाथ था इटालियन लिटरेचर का, क्योंकि इटली में ही पुराने ग्रीक और रोमन थिएटर को फिर से डिस्कवर किया गया था। तो एलिजाबेथन थिएटर की जड़ें वहीं थी, इटली में। इंग्लैंड के प्लेराइट्स ने इटालियन मॉडल्स को गले लगाया और ऐसे ऐसे करके इटालियन लैंग्वेज और कल्चर इंग्लैंड में आ रहा था। दोस्तों जहाँ तक बात की जाए शेक्सपियर के प्लेस की, तो शेक्सपियर के प्लेस इतने फेमस इसलिए होते थे क्योंकि शेक्सपियर के प्लेस में वैरायटीज़ होती थी, जैसे हिस्ट्रीज़, ट्रेजडीज़, कॉमेडीज़, रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडीज़। और मैं आपको बताऊँ, शेक्सपियर की शुरुआती इटालियन कॉमेडी थी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके बाद शेक्सपियर ने कुछ ग्रेट कॉमेडीज़ लिखी, फिर हिस्ट्री प्लेज लिखे, उसके बाद प्रॉब्लम प्लेज लिखे, फिर जाकर उन्होंने अपने करियर की सबसे ग्रेट ट्रेजडीज़ जैसे हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनी और क्लियोपेट्रा, ऐसी ट्रेजडीज़ लिखी
दोस्तों ये जो पीरियड था ना, शेक्सपियर की लाइफ का गोल्डन पीरियड था। इसके बाद जाकर शेक्सपियर के करियर का लास्ट टाइम आ गया था, तो इस वक्त उन्होंने रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी लिखी थी, जैसे सिम्बलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के अलावा दोस्तों एलिजाबेथन एज में सबसे बड़ा नाम था क्रिस्टोफर मार्लो का। ये यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी राइटर्स थे, इन सब ने शेक्सपियर को प्रभावित किया था। उसमें सबसे बड़ा नाम था क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर को बहुत प्रभावित किया था दोस्तों। क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर सेम एज के थे। हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं, उनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी, और माना यह जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो अगर कुछ साल और ज़िंदा रहते तो वो शेक्सपियर को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसी बात कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर मार्लो अपने वर्क्स के अंदर मॉरलिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते थे। इतनी सारी वैराइटीज़ नहीं थी शेक्सपियर के प्लेज में। जितनी भी वैराइटीज़ थी वो मार्लो के प्लेज में नहीं थी। हालांकि वो ट्रेजेडीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे कॉमेडीज़ की बजाय। खैर, फिर भी क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स में बहुत ही दम होता था। उनका जो प्ले है एडवर्ड सेकंड, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, और डॉक्टर फॉस्टर्स के भी क्या कहने। अगर बहुत कम उम्र में मार्लो की डेथ ना हुई होती तो शायद बहुत बड़े बड़े वर्क्स हमको देखने को मिल सकते थे। एक और एलिजाबेथन एज के बड़े ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस डेकर, जो अपने फेमस वर्क द शू मेकर्स हॉलीडे के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों थॉमस डेकर रियलिस्टिक प्लेज लिखते थे, यानी कि गरीबों के ऊपर ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। गरीबों को जैसे लंदन में दबाया जाता था, उनके प्रति सिंपति रखते थे, तो उसी पर ये लिखा करते थे। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन भी एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम के, जो शेक्सपियर पर बहुत अटैक किया करते थे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊँ कि एलिजाबेथन एज में जो पहले ड्रामाज लिखे जाते थे वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते थे। इसी टाइम पर ब्लैंक वर्ड्स को खोजा गया था, जिसको विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने ड्रामाज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। वो जो ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामाज लिखे जाते थे, क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म किए जाते थे। क्वीन एलिजाबेथ खुद इन्वाइट करती थी प्लेराइट्स को। क्वीन एलिजाबेथ खुद एक बहुत अच्छी डांसर थी, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थी, शायद इसलिए उन्होंने आर्ट को इतना सपोर्ट किया। और दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि एलिजाबेथन एज में ही क्यों लिटरेचर ने इतनी ग्रोथ की। और भी पीरियड आए थे इससे पहले भी और इसके बाद में भी, लेकिन एलिजाबेथन एज में ही क्यों इतनी ग्रोथ हुई? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर एलिजाबेथ ने अच्छा रूल किया था। उन्होंने इंग्लैंड में शांति कायम की, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके बीच में शांति कायम की, और इस टाइम के 5 बड़े ऑथर्स थे जिनकी वजह से ये एज गोल्डन एज बनी, जिसमें थे एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर और बैन जॉनसन। और आने वाले बड़े बड़े पॉइट्स और ऑथर्स और ड्रामेटिस्ट पर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था। जैसे एडमंड स्पेंसर ने अपना सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा था जॉन मिल्टन पर। 20th सेंचुरी के सबसे बड़े पॉइट T.S. एलियट ने भी इस एज से बहुत कुछ सीखा। वो इस एज को बहुत ही ग्रेट समझते थे और उन्होंने कोशिश की कि मॉडर्न लोग फिर से इन पॉइंट्स को याद करें।